Good morning, children. How are you all? We start our day. Today, date is 29th. What is the date today? 29th. And which month is going on? June month is going on. Which month is going on? June. And year is 2020. And what is the day today? Today is Monday. Today is Monday. All of you repeat. Today is Monday. Speak out M-O-N-D-A-Y, day, Monday. Very good. And month is J-U-N-E, June. Now, speak out sight word, she. Sight word is she. We use look and say method for sight word. She. Sight word is she. And sentence is, she sat in a van. She sat in a van. Repeat after me, baby, again. She sat in a van. Very good. Now, all of you, take out your Hindi workbook. Akshar Rachna, Anupam Akshar Rachna. We start today. Aaj hum usme chitra ke naam, pratham akshar chitra ka, wo karenge. Theek hai? Aap apni pencil uthaiye aur एलिगेटर हैंड से पकड़िए, होल्ड कीजिए, यस। एंड अब हम चित्र को देख के उसका पहला अक्षर लिखेंगे, प्रथम अक्षर। चित्र देखिए किसका है, कबूतर। किसका है, कबूतर। और यहां पे क्या लिखेंगे हम, हिंदी का कहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, नीली पहली लाइन से, ना? तो यहां से हम पहले बनाएंगे एक खड़ी हुई रेखा और फिर दोनों दूसरी और लाइन से लेके बीच में एक चक्र बनाएंगे आधा और इसको यहां तक लेके आएंगे। क से कबूतर, क से कबूतर। अब ये देखो दूसरा चित्र किस चीज का है, चरखा। किस चीज का है, चरखा। क्या फॉर चरखा होता है, देखो इसकी साउंड सुनो क्या आ रहा है। सबसे पहले किसकी आवाज आ रही है, च। तो अब हम च लिखेंगे। दूसरी नीली लाइन से शुरू करेंगे, पहले लेटी रेखा, फिर हम आधा चंद्र बनाएंगे और यहां से खड़ी रेखा बना के च से चरखा। गुड। अब ये आगे पिक्चर देखिए, ये किसकी है, चित्र किसका है, ये जग। झ नहीं है, ज है। ज से जग। क्या है ये, ज से जग। अब हम यहां पे पहली नीली रेखा से शुरू करेंगे, पहले एक खड़ी रेखा बनाएंगे, फिर एक लेटी रेखा बनाएंगे और अब यहां से हम उल्टे वाला सी बनाते हुए इसको तिरछा यहां तक ले जाएंगे और ऊपर हम डाल देंगे छत। ज से जग, ज से जग। फिर से बोलिए, क से कबूतर, च से चरखा, ज से जग। अब अगला चित्र देखिए किसका है, वेरी गुड, ये आपको सबको पता है, ख से खरगोश। नीली पहली रेखा से शुरू करेंगे उल्टा सी और फिर हम इसको ऐसे टर्न करके नीचे से लेके आएंगे मोड़ के और फिर खड़ी डंडी बनाएंगे और यहां पे एक आधा गोला बना के ख से खरगोश। नीली से नीली लाइन तक ही लिखना है हिंदी को हमने। क्या है ये, ख से खरगोश। और ये किसका चित्र है, आपने बुक में पढ़ा हुआ है, ग से गधा। अब इसके लिए देखिए पहली नीली लाइन से शुरू करेंगे और दूसरी नीली लाइन के थोड़ा सा नीचे आएंगे और फिर हम इसको तिरछी लाइन लगा के लेटी हुई लाइन लगाएंगे और ये जो हमने लेके आनी है सीधी लाइन, जो रेखा लानी है, ये पहली लाइन नीली लाइन से लेके और तीसरी नीली लाइन तक आएगी और ऊपर इसके हम डालेंगे छत, ग से गधा। अच्छा भाई, ये तो आपकी फेवरेट चीज है ना, आपको बहुत पसंद है। जब बारिश आती है तब आप पढ़ते हो ना, ये यूज करते हो, इसको क्या बोलते हैं, छाता। चलो, किससे छाता होता है, छ से छाता। आप पहले उल्टा तीन डालेंगे नीली लाइन से नीली लाइन तक, फिर हम इसको गोला बनाएंगे, बीच में हम एक खड़ी रेखा लाएंगे, ऊपर हम एक लाइन बनाएंगे, क्या बन गया, छ से छाता। वेरी गुड। अब देखिए
इसमें हमने क्या करना है, इन अक्षरों का पुनः अभ्यास कीजिए। ये हमने लिखने सीखे हुए हैं तो हमने इनको दोबारा लिखना है। चलिए मेरे साथ जल्दी से लिखिए, नीली लाइन से शुरू कीजिए। पहले उल्टे वाला हमने 3 बनाना है, फिर तिरछा लेके जाना और 1 बनाना, ठीक है ना। एक बनाया घ से घर, झ से झंडा। आप सबने अपना होमवर्क भेजा है मेरे को, गृह कार्य भेजा ना आपने, उसमें मैंने देखा है आपको हिंदी लिखनी अच्छे से आ गई है। क से कमल, न्य काली, बजाओ ताली। अब हमने क्या लिखना है, ये छ की यहाँ पे जो लिखी हुई है ना फॉर्मेशन, वो थोड़ी रॉन्ग है। हमने छ को पहली नीली लाइन से शुरू करना है, यहाँ पे गोला बनाना है, बीच में खड़ी रेखा बनानी है छोटी सी और ऊपर छत डालनी है। छ से छत, ज ज तो आपने ज में भी थोड़ी चेंज है, देखो इसको हमने नीली लाइन से नीली लाइन एक बनाना है और ये वाली नीली लाइन पे आपने बनाना है। इसमें देखो यहाँ ऊपर किया हुआ है, इसमें यहाँ पे बनाना हमने और इसको यहाँ से ज से ज, अंग काली, इसकी बिंदी लगानी नहीं भूलनी है। अगर आप बिंदी नहीं डालोगे तो ये ड से डमरू बन जाएगा। अब ख से खरगोश, ख से खरगोश। सब बच्चों ने अपना गृह कार्य करके मैम को भेजना है, मैम आपको चेक करके वापस भेजेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे।